नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप हैं इस वक्त समाधान इंडिया के साथ। रेल विभाग की लापरवाही से आए दिन आम जनता दुश्वारियों का शिकार होती रहती है और रेल प्रशासन आंखें मूंदे हादसों का इंतजार करता रहता है। ऐसा ही एक मामला महेश मुंडा गिरिडीह रेल मार्ग स्थित महेश मुंडा रघेड़ी ओवरफ्लाई के पास नजर आया। जब यहां ओवरफ्लाई के नीचे जल जमाव को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की दिशा निर्देशानुसार पंचायत समिति सदस्य अब्दुल वाहिद खान और दीपक पाठक के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने महेश मुंडा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर धरना दिया। ग्रामीण सड़क के बीचों बीच धरना में बैठ गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। एकत्रित लोगों ने रेल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे सड़क के दोनों ओर आवागमन बाधित हो गया। वहीं दूसरी ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसकी सूचना पाते ही बेंगाबाद CO संजय सिंह, BDO क्यूम अंसारी, IAS प्रशिक्षु निशा कुमारी, राहुल उराव, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा सदल बल के साथ पहुंचे और रेल विभाग के ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि शेखर और महेश मुंडा स्टेशन प्रबंधक आफ्ताब आलम ने अधिकारियों से बातचीत की। इस वार्तालाप के बाद विधायक की सहमति के साथ जाम खुलवाया जा सका। इसके पूर्व धरना में शामिल बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, हसनैन आलम, दीपक पाठक, जैनुल अंसारी, जीप सदस्य धनंजय राणा, गांडे उप प्रमुख अकबर अंसारी के अलावा सैकड़ों सहयोगी ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर विधायक श्री अहमद ने कहा कि महेश मुंडा के समीप रेलवे मार्ग की ओवरफ्लाई काफी जर्जर हो गई है। उक्त मार्ग पर जल जमाव हो जा रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। इस मामले को लेकर रेल विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसकी कोई पहल नहीं की गई। जबकि उक्त मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है, कई बार दुर्घटना में लोग बाल बाल बचे भी हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ग्रामीणों ने आज धरने के माध्यम से रेल विभाग के उच्च पदाधिकारियों को अवगत कराने के लिए मुझे भी जानकारी दी। मैं रेल विभाग के उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि उक्त मार्ग में जल जमाव और जर्जर सड़क को अतिशीघ्र मरम्मति की जाए, अन्यथा रेलवे विभाग के खिलाफ आंदोलन करने पर ग्रामीण मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर रेलवे अधिकारियों को विधायक ने ओवरफ्लाई 10C और 11C मरम्मति करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि शेखर और स्टेशन प्रबंधक आफ्ताब आलम ने विधायक को आश्वासन दिया कि आगामी 28 फरवरी 2021 तक मरम्मति करने का कार्य पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन नेसाब अहमद कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। स्तर पे मरम्मत कार्य जारी है और ये कार्य को जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा, और इसके आगे का जो बात है उसके वरीय अधिकारी को करना है, उसमें उन लोगों तक मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। क्या टाइम दिया? फरवरी के अंत तक ये काम करने का बोला गया है, वो कर लिया जाएगा। ओवरब्रिज का डिसीजन माननीय डी आर एम साहब लेंगे। इन लोगों का डिमांड है, इस पर जो भी करना होगा वो DRM साहब करेंगे। देखिए, जो इन लोग का एक कोरोनम था, जो दिक्कत थी इस आस पास के 2-3 पंचायत की, वो एक कोरोनम के चक्कर में जो अधिकारी आए थे रेलवे को, उनको दिया गया था और फेज वाइज वो इस काम को आगे करेंगे। इसकी सूचना इन लोगों ने अपने आला अधिकारी को भी पहुंचा दिया है DRM लेवल तक। अब ये है कि अगर उसको ये फेल करेंगे, अभी इन लोगों ने 2 महीने का टाइम लिया इसको दुरुस्त करने के लिए दोनों सफ़े को, और ये दुरुस्त हो जाता है इसके बाद जो ओवरब्रिज फुट ओवरब्रिज बनने की बात है या और जो तालाब की बात है उसको ये लोग फॉलोअप करेंगे और हम उसमें सतर्क रहेंगे। जहाँ जरूरत होगी हमारी मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो DRM से बात करने की, वो हम खुद करेंगे, हम जाएँगे करते, ठीक है ना? बहुत बहुत